एक बार फिर से हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम स्वर संधि के ट्रिक द्वारा महत्वपूर्ण ज्ञान को लेकर उपस्थित हुए हैं। एक बार आप इस ट्रिक को ध्यान से पढ़ लेंगे, कभी संधि नहीं भूलेंगे। इस स्वर संधि के पांचों भेदों को कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए परीक्षा के इस दौर में संधि को एक बार पुनः रिवाइज कर लें, रिवीजन कर लें। जो हमने पहले पढ़ा है उसे एक बार फिर से ध्यान दे लें। यह आपके लिए मास्टर क्लास होगी, जिसमें आप एक बार पढ़ने से ही संधि के पांचों रूपों को अच्छे से पहचान जाएंगे। आइए देखते हैं संधि के पांचों रूप क्या है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि संधि पढ़ते समय इन पांचों रूपों का नाम हमें लिखना होगा। जैसे यहां लिखेंगे स्वर संधि के पांच भेद हैं। स्वर संधि के जो पांच भेद हैं, इन पांचों भेदों में से पहले का नाम है दीर्घ। दीर्घ, अब जिसके लिए एक शब्द है अकह सवर्णे दीर्घ। जब अंक समान हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। जब अंक समान हो तो वहां दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ। फिर आता है गुड़ संधि। यहां पर आता है गुड़ संधि, इसको कहते हैं गुड़ संधि। तो गुड़ भी आप देख लिए। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि तीसरा है वृद्धि संधि। और चौथा भेद है यण संधि। और पांचवा भेद है अयादि संधि। ये पांचों भेद हमने जब देख लिए, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, तो जब ये पांच भेद हमने स्वर के देख लिए, स्वर संधि के पांच भेद देख लिए, अब हमें क्या जानना चाहिए कि इसको कैसे जानते हैं। तो जानने के लिए ट्रिक है, ट्रिक का प्रयोग करना होगा। संकेत, सरल संकेत। ट्रिक का यहां तात्पर्य है सरल रूप से समझने के संकेत। तो क्या संकेत हैं? संकेत को ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखेंगे द। द का मतलब है दीर्घ। इसके बाद लिखेंगे ग। गा, गा का मतलब है गुड़। इसके बाद लिखेंगे वा। वा का मतलब है वृद्धि। इसके बाद लिखेंगे ळ। ळ का मतलब है यण। और अगला है आया। आया का मतलब है अयाद। इस तरह से एक वाक्य बन गया, दगाबाड़ आया। एक वाक्य बन गया, क्या बन गया? दगाबाड़ आया। दगा वाण आया, ये जो वाक्य बन गया यही ट्रिक है। दगाबाड़ आया, इससे हम पांच नामों को जान पा रहे हैं। पांच नामों को हम अच्छे से पहचान पा रहे हैं। जब नाम जान गए और पहचान गए तो इसमें कैसी मात्राएं लगेंगी, इसको भी हमें जान लेना है। तो मात्राएं कैसे लगाएंगे, इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक ट्रिक है। दादा दादी खाए पिए गोल सेब। हम सर्कल कर रहे हैं, इसको देखते जाएंगे। दादा, दूसरा है दादी, तीसरा है खाए, चौथा है पिए, पांचवा है गोल सेब। यह पांच सर्कल हैं जिसमें पांचों सूत्र लिखे गए। दादा, द से दादा। तो दादा ने क्या कहा? अकह सवर्ण दीर्घ। प्रत्येक वर्ण समान होंगे। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के समय दोनों तरफ पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण जो होंगे, स्वर वर्ण जो होंगे, वो समान होंगे, एक जाति के होंगे, स्वजातीय होंगे। अर्थात अ होगा तो अ होगा, ई होगा तो ई होगा, ऊ होगा तो ऊ होगा, री होगा तो री होगा। कहने का मतलब सजातीय होंगे, एक ही जात के होंगे। वो बड़े छोटे हो सकते हैं, बड़े छोटे होने पर कोई भ्रम हमें नहीं करना है, क्योंकि अंत में दीर्घ होना है। बड़ा छोटा है तो भी दीर्घ होना है, छोटा बड़ा है तो भी दीर्घ होना है, छोटा छोटा है
तब भी दीर्घ होना है। स्वर किसी तरह से प्रयोग हुआ हो वहां दीर्घ होना है। आप जैसे देखिए, यदि हम इसका इसका योग करें तो भी यह होगा, और इसका इसका करें तो भी यही होगा। तो अकस्य वर्ण दीर्घ है, अंक समान होने पर, वर्ण समान होने पर क्या होंगे? दीर्घ होंगे। आइए इसके उदाहरण पर चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसका उदाहरण है विद्यालय। अब विद्यालय शब्द में हम देखेंगे, पहला शब्द आता है विद्या और दूसरा शब्द आता है आलय। तो पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है? आ, और दूसरे शब्द के पहले क्या आ रहा है? अ। दोनों मिलकर क्या हो गए? आ। यही आ जो है यहां पर है, यहां पर आ विद्यालय। तो विद्यालय शब्द जो बना इस तरह से अकस्य वर्ण दीर्घ के रूप में बना। अगला शब्द आता है कवींद्र। कवींद्र, अब कवींद्र में हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कवि और इंद्र, कवि और इंद्र। तो कवि और इंद्र जब होगा, यहां छोटी ई और यहां छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई, क्या हो गया? बड़ी ई। तो बड़ी ई के रूप में यह आया है कवींद्र। क्या बना? कवींद्र। इसी तरह एक शब्द और आया है भानुदय। भानु धन उदय, भानु और उदय। तो भानु और उदय को जब जोड़ते हैं, जब भानु और उदय को जोड़ते हैं क्या बना? उ और उ, छोटा उ छोटा उ, तो यहां क्या हो जाएगा इससे? बड़ा उ। तो बड़ा उ कहां हुआ? यहां पर। भानुदय, भानु धन उदय, भानुदय। आशा है कि दीर्घ संधि समझ में आई होगी। इसी तरह दूसरे नंबर पर चलते हैं, यह दूसरे नंबर की जो संधि है दादी। गा गुण, गा से गुण, दगा बाण आया, दूसरे क्रम में आए गा। गा दूसरे क्रम पर है और दूसरे क्रम पे सामने क्या है? दादी। इसका मतलब है आ के साथ ई, आ के साथ उ, आ के साथ री। अर्थात आ पहले तरफ होगा, जब संधि विच्छेद करेंगे पहले शब्द के अंत में मात्रा आ होगी अथवा आ होगा। इसके साथ ही इसमें जो जमा होंगे, जो योग होंगे, वो किनसे होंगे? ई से, ऊ से और री से। तो जब आ के साथ ई का योग होगा, आ के साथ ई का, तो क्या हुआ? नरेंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, अधन ई, तो क्या होगा? ए, अधन ई, आ और योग करेंगे ई का तो हो जाएगा ए, नरेंद्र। आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? ए, और ए से क्या होगा? ए की मात्रा र पर लगाएंगे तो क्या होगा? नरेंद्र। इसी तरह से परोपकार, पर धन उपकार। अब यहां पर र और उ है, अधन उ, अधन उ मिलकर क्या होते हैं? ओ। जब ओ होते हैं तो र पे कौन सी मात्रा आएगी? ओ की मात्रा आएगी। ओ की आने से यहां परोपकार हो गया, पर धन उपकार। र पर ओ की मात्रा आने से परोपकार बना है, परोपकार। इसी तरह अधन री, अधन री से क्या बनते हैं? अर, अर क्या बनेगा? अर। अब जब अर बना तो यहां अर होगा, देवर, देवर, देवर और सी, देवर्षि। इस तरह से बना शब्द देवर्षि। क्या शब्द बना? देवर्षि। इसी तरह से हम तीसरे संधि पर चलते हैं। तीसरी संधि है द गा वा, वा से वृद्धि, वृद्ध लिखी गई है, ये तीसरे क्रम में आई है। तीसरे क्रम में जो आई है वृद्धि, वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, बड़ा होना। तो वृद्धि कह रही है कि आ के साथ ए, आ के साथ ओ, आ के साथ ए, आ के साथ ओ आएंगे। तो खाए यहां शब्द है, इससे हम संकेत लगाएंगे आ के साथ क्या क्या आएगा? ए, ए, ओ, औ। अब इसका योग इससे भी होगा, 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 इन चारों से योग होगा। जब इन चारों से योग होगा
तो चारों से योग होने के बाद क्या बनेगा, इस तरह से देखते हैं, उदाहरण चलते हैं, उदाहरण देखकर पता चल जाएगा क्या बनेगा। एक एक, एक शब्द आया एक एक, यहां आप देख रहे होंगे एक एक शब्द है, इससे हमें क्या संधि विच्छेद होती है, एक धन एक। अब पहले शब्द के अंत में क है तो यहां अ है और यहां ए है, आ ए मिलके आय होता है, इसीलिए यहां बना आय, एक एक। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं सदैव, दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं सदैव, जब सदैव बना है तो सदा, सदा धन एव, आ धन ए आय, तो क्या हो गया सदैव। इसी तरह से तीसरा उदाहरण लेते हैं जो है परमौषध, परम धन औषध, परम धन औषध, अधन औ, क्या हो जाएगा औ, परमौषध। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, स्वर संधि के चौथे भेद पर, क्या है यण। यण कैसे याद होगा, दगा बाण आया, तो दगा बाण आया में यण चौथे नंबर पर है। तो यण जो चौथे नंबर पर है यह कह रहा है कि पिए, क्या पिए, जो ऊपर है दादा थे दादी थे वो खाए, जब खाना खा लिए तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ी, पीने के लिए पानी मांगा, पिए पानी पी लिए, तो इससे हमें सूत्र मिला कि ई ऊ री, ई ऊ री, ई ऊ री के साथ किसका योग होगा, इससे भिन्न किसी भी स्वर का योग होगा, अर्थात अ का ए का ओ का आदि, ऊ का, किसी भी भिन्न स्वर का योग होगा। तो कहने का मतलब इसमें जो सूत्र आएगा, जैसे प्रत्येक है उदाहरण के रूप में देखें, प्रतिधन एक, क्या होगा प्रतिधन एक, जब प्रतिधन एक आया तो ई, यहां छोटी ई है और यहां पर ए है, छोटी ई और ए मिलके ए बन जाता है, तो प्रत्येक बन गया, क्या बन गया प्रत्येक। इसी तरह से ई और आ का योग होने पर या हो गया, तो यहां कर क्या बन जाएगा इत्यादि, इतिधन आदि, इतिधन आदि, इत्यादि। इसी तरह से तीसरे उदाहरण को देखें, ऊ बन गया, ऊ और अ, ऊ और अ मिलके वह बन जाते हैं, ऊ और अ मिलने से वह बन जाता है, जब वह बन जाता है तो वह बनने से क्या बन गया अन्वय, क्या बन गया अन्वय। पांचवा उदाहरण जो है यह क्या है आया, आया दगाबाण आया, पांचवा उदाहरण है अयाद, अयाद क्या मतलब है, अयाद का तात्पर्य है कि जो गोल सेब है, जो गोल सेब है वह आया है, कहां से आया है कश्मीर से आया है, जिसको दादा दादी खा रहे हैं, दादा दादी खाए पिए, क्या खाए पिए गोल सेब, गोल सेब खाए और सेब का जूस पिए, तो गोल सेब, गोल है और सेब है, इससे संकेत मिला ओ के साथ अ और ए के साथ अ, ओ के साथ अ और ए के साथ अ, तो जब ये संकेत मिला इससे कुछ उदाहरण बनेंगे, जैसे चयन, एक शब्द बना चयन, चयन में चे धन अन जो मिलेंगे इसमें क्या ए और आ मिलके क्या बनेंगे आए, तो यहां आए आया चयन, चयन। इसी तरह से नय धन अक, आय बना नायक, इसी तरह क्या बना नायक। इसी तरह पावन है पौधन अन, आओ बना तो पावन, इसी तरह पवन पौधन अन, आओ बना पवन। ये चार उदाहरण अयाद संधि के हैं, और इसी तरह तीन उदाहरण यण संधि के हैं, इसी तरह तीन उदाहरण वृद्ध संधि के हैं, तीन उदाहरण गुण संधि के हैं, और तीन उदाहरण दीर्घ संधि के हैं। तो स्वर संधि के कुल पांच भेद हैं, पांचों भेदों को हमने बड़े ही अच्छे क्रम से देखा है, दादा दादी खाए पिए गोल से, फिर दगा बाण आया,
तो द से दादा, गा से दादी, वा से खाए, ड से पिए, आया से गोल से। यह संकेत है, इन संकेतों से हम जान पाएंगे कि किस भेद में कौन सी मात्राएं हमें लगानी है। एक बार अगर हमें मात्रा याद हो गई, और याद हो गई होगी, तो हम कभी भी स्वर संधि को गलत नहीं करेंगे। चलते चलते यह बताना चाहेंगे कि जब हम इसको पढ़ें तो यह ध्यान रखें कि हमें केवल तीन संधियां पढ़नी है, पांचों तैयार हो जाएंगी, क्योंकि दो अपोजिट होती हैं। तो तीन में यह स्वतंत्र है। दीर्घ संधि क्या है? स्वतंत्र है, उसका किसी से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन गुण का जो है, गुण का क्या हो जाता है? यण। गुण का भेद अगर हम देखें तो किसके साथ योग होता है? गुण का यण के साथ, और वृद्धि का अयाद के साथ। जैसे गुण में देखें दादी, आ के बाद ई है, तो यण में क्या है? ई के बाद दूसरा है, ई पहले आ गया। इसी तरह से वृद्धि में पहले आ है और बाद में ए है, अयाद में क्या आ गया? पहले ए आ गया और बाद में आ गया। इस तरह से गुण का यण और वृद्धि का अयाद अपोजिट हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से आज के उदाहरण हैं। अगले वीडियो में इसके प्रश्नों के साथ अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।